गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कवरिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर्स बिहेवियर। तो हम कंज्यूमर बिहेवियर देख रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जब बायर ने कुछ बाय करना है तो उसका कैसा बिहेवियर रहेगा। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बायर बिहेवियर। Consumer behavior refers to the selection, purchase and consumption of goods and services for the satisfaction of their wants. तो consumer behavior जो होता है उसका मतलब होता है कि आप वो चीज़ select कर रहे हो या purchase कर रहे हो या consume कर रहे हो जिससे आपकी एक तो wants हैं वो satisfy हो रही हैं और आपको satisfaction मिल रहा है। There are different processes involved in the consumer behavior. Initially, the consumer tries to find out what commodity he would like to consume. Then he select only those commodities that promise greater utility. तो consumer वही product खरीदता है जिससे उसको जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो. After selecting the commodity, the consumer makes an estimate of available money he can spend. जब उसको पता लगता है कि उसकी कौन सी ज़रूरत की चीज़ है, फिर वो ये देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं कि वो स्पेंड करे। लास्टली द कंज्यूमर एनालाइजेज द प्रिवेलिंग प्राइजेज ऑफ कॉमोडिटीज एंड टेक्स द डिसीजन अबाउट द कॉमोडिटी ही शुड कंज्यूम। तो उसके बाद वो देखता है कि इसी प्रोडक्ट के और कितने प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, तो उनमें से वो एक चूज़ करता है। There are various other factors influencing the purchase of consumers such as marketing, personal, social, culture and psychological. तो बहुत सारे factors हैं जैसे personal factors, social, cultural और personal factors. Each element of the marketing mix, product pricing, promotion and place has the potential to affect the buying process at various stages. Product, the uniqueness of the product, the physical appearance and packaging can influence buying decision of the consumer. अगर कोई product जो है वो अच्छे से packed होगा, ठीक है, तो अच्छी packaging होगी, उसको उसकी तरफ ज़्यादा attract होगा consumer. Next is pricing. Pricing strategy does affect consumer behavior. Marketer must consider the price sensitivity of the target customer with fixing price. जब हम कोई product का price fix करते हैं तो हमें देखना है कि कौन से लोग हैं जो उसे purchase करेंगे, उनका level of income क्या है, ठीक है। अगर तो बहुत rich हैं तो उस according आप अपना price set करो product का। अगर आपको पता है middle level है या low level है तो उस according करो, ताकि उनको जो प्राइस रीजनेबल लगे एंड वो परचेज करें। नेक्स्ट इज प्रमोशन। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन सच एज एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन अफेक्ट बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। अब देखो, जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें होता है ना कि हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखना चाहिए अगर हमें अच्छा लगे, या वो कोई चीज़ बहुत फेमस हो जाती है पब्लिकली तो हम ज़रूर यूज़ करके देखते हैं उसको। और प्लेस में आएगा द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। मार्केटर्स मेक एन अटेम्प्ट टू सिलेक्ट द राइट चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स एट राइट प्लेस। अगर देखो, अगर आपको जैसे दूर फॉर एग्जांपल जाना हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप सोचोगे ना कि छोड़ परे क्या जाना इतनी दूर प्रोडक्ट खरीदने। नेक्स्ट आर पर्सनल फैक्टर्स। द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ अ कंज्यूमर मे इफेक्ट द बाइंग डिसीजन। द पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूड एज फैक्टर। द एज फैक्टर greatly influence the buying behavior. For instance, teenager may prefer trendy clothes whereas office executives may prefer formal clothes. ठीक है, तो ये आपको example clear है। जैसे
बच्चे जो होते हैं उनको कलरफुल क्लोथ्स पसंद होते हैं, ट्रेंडी, और जिनकी ज़्यादा एज होती है वो मोस्टली फॉर्मल क्लोथ्स डालते हैं। जेंडर, द कंज्यूमर बिहेवियर वेरीज अक्रॉस जेंडर। गर्ल्स जैसे मेकअप यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा, बॉयज़ भी मेकअप यूज़ करते हैं बट मोस्टली वी टेक गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। हाईली एजुकेटेड पर्सन मे स्पेंड ऑन बुक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, बट अ पर्सन विद अ लो और नो एजुकेशन मे स्पेंड लेस ऑन बुक्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इनकम लेवल, नॉर्मली हायर द इनकम हायर इज़ द लेवल ऑफ स्पेंडिंग। ऑब्वियसली जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी हम ज़्यादा खर्च करेंगे, जब हमारी इनकम कम होगी हम खर्च भी कम करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेटस इन द सोसाइटी। पर्सन इंजॉइंग हायस्ट स्टेटस डू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑन लग्जरी आइटम्स लाइक कार्स, लग्जरी वॉचेस, प्रीमियम ब्रांड्स ऑफ क्लोथिंग, ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो जिनका कम होगा स्टेटस वो इतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, वो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग खरीदेंगे। अदर पर्सनल फैक्टर्स आर लाइक लाइफ स्टाइल, फैमिली साइज एक्सेट्रा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, अगर फैमिली छोटी है तो खर्चे कम होंगे। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। लर्निंग, इट रेफर्स टू चेंजिंग इन इंडिविजुअल बिहेवियर डाटा कॉज बाय इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कस्टमर बाइज अ न्यू ब्रांड एंड इज सेटिस्फाइड बाय इट्स यूज, देन ही और शी इज मोर लाइकली टू बाय द सेम ब्रांड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा एक ट्रस्ट बन जाता है, हम एक बारी वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो अच्छा निकलता है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर हम वो प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं। थ्रू लर्निंग पीपल एक्वायर बिलीव्स एंड एटीट्यूड विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर। ठीक है, अब एटीट्यूड क्या है? इट इज़ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन अ गिवन मैनर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है, आप नेगेटिव भी हो सकते हो, आप पॉजिटिव भी हो सकते हो किसी प्रोडक्ट को लेके, या आपका न्यूट्रल एटीट्यूड भी रह सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई जैसे अल्कोहल को अच्छा मानते हैं कि हाँ हेल्थ वाइज अच्छी होती है अगर थोड़ी बहुत पी लो, कई नेगेटिव मानते हैं। ऐसे नॉन वेज कई बोलते हैं कि इट्स हेल्दी एंड कई बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो ये आपका एटीट्यूड है, नेगेटिव लेना है, पॉजिटिवली लेना है, कैसे लेना है। नेक्स्ट अ मोटिव। अ मोटिव इज द इनर ड्राइव दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू एक्ट और बिहेव इन अ सर्टन मैनर। द मार्केटर मस्ट आइडेंटिफाई द बाइंग मोटिव ऑफ द टारगेट कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंस देम टू एक्ट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द मार्केटेड प्रोडक्ट्स। तो मोटिव क्या होता है कि जो पर्सन को अंदर से ड्राइव करता है कि आप ऐसे बिहेव करो या आप ऐसे करो, अगर तो मेरा अच्छा मोटिव होगा तो मैं अच्छे से बिहेव करूँगी, अगर गलत होगा तो गलत तरीके से बिहेव करूँगी। नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन इज इम्प्रेशन जो हम एक बारी फॉर्म कर लेते हैं किसी इंसान के बारे में। इट इज़ अ इम्प्रेशन विच वन फॉर्म्स अबाउट अ सर्टन सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। अ मोटिवेटेड पर्सन इज रेडी टू एक्ट बट द वे और द मैनर इन विच ही एक्ट इज इन्फ्लुएंस बाय हिज परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। परसेप्शन होता है प्रसीव, आप कैसे किसी चीज़ को लेते हो, क्या सोच के। नेक्स्ट इज बिलीफ। अ बिलीफ इज डिस्क्रिप्टिव थाट विच अ पर्सन होल्ड अबाउट सर्टन थिंग्स। इट मे बी बेस्ड ऑन नॉलेज, ओपिनियन, फेथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये आप एक बार ही रीड कर लेना। सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। मेजर सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड द फिजिकल सराउंडिंग, सोशल सराउंडिंग, टाइम, द नेचर ऑफ टास्क एंड मॉनिटरी मूड्स एंड कंडीशन। तो फिजिकल सराउंडिंग्स में आएगा
The physical surrounding at the place of purchase affects buying behavior. For instance, when customer is shopping in a store, the features that affect buying behavior would include the location of the store, the decor, the layout of the store. देखो, हम कभी purchase करने जाते हैं product, हम decoration से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम वहाँ से एक आधा कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, या उसकी लोकेशन ऐसी होती है, या फिर प्रोडक्ट को ऐसे डिस्प्ले किया होता है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको देख के. ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल सराउंडिंग. बाइंग बिहेवियर उस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो उसने कुछ ख़रीदा तो उसको मैं देख के मैं भी कुछ ख़रीदूँगी. फॉर इंस्टेंस अ बार्गेन हंटर शॉपिंग विद एन इम्पेशेंट फ्रेंड मे डू क्विक परचेजेस एंड मे नॉट बार्गेन ओवर द प्राइस सो एज टू प्लीज द इम्पेशेंट कस्टमर. ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें ये है कि जो इंसान बार्गेन करना पसंद करता है बट वो एक इम्पेशेंट फ्रेंड के साथ घूमने चला गया या परचेज करने चला गया तो वो फिर बार्गेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो क्विक परचेज करेगा क्योंकि उस इंसान को जल्दी जल्दी परचेज करना पसंद है. टाइम फैक्टर. कस्टमर मेक डिफरेंट डिसीजन बेस्ड ऑन व्हेन दे परचेज द आवर ऑफ द डे ऑफ द वीक और द सीजन ऑफ. फॉर इंस्टेंस कंज्यूमर हु रिसीव्ड अ पेचेक ऑन अ पर्टिकुलर डे मे शॉप मोर आइटम्स देन एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन ही इज शॉर्ट ऑफ फंड्स. तो टाइम फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है कि जिस दिन आपको सैलरी मिली है उस दिन आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उसके बाद मंथ के एंड में आपके पास इतने पैसे ही नहीं बचे. मोमेंट्री कंडीशंस. द मूड्स एंड कंडीशन ऑफ द कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेज. अगर तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हैप्पी है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लेगा, अगर हैप्पी नहीं है तो वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक आधा प्रोडक्ट खरीदेगा. नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स सच एज रेफरेंस ग्रुप फैमिली सोशल एंड स्टेटस अफेक्ट द बाइंग बिहेवियर. नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं, जैसे रेफरेंस ग्रुप. और रेफरेंस ग्रुप इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल सच एज कोलीग्स एट वर्क प्लेस क्लब मेंबर्स फ्रेंड सर्कल एंड सो ऑन. वो क्या कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे इंसान को कि तुम ये खरीदो, तुम ऐसा लाइफस्टाइल अपनाओ, तो वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंसान के ऊपर कि वो प्रोडक्ट वो ख़रीद ही लेता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो मेकअप करती हैं जब भी पार्टीज़ वगैरह पे जाना है और आप सिंपल विदाउट मेकअप चले जाते हो, तो वो आपको बोलेंगे कि यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग मेकअप. तो फिर क्या होगा कि एक तरह का प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, तो आप भी मेकअप करना स्टार्ट कर दोगे. नेक्स्ट इज़ फैमिली. द फैमिली इज़ द मेन रेफरेंस ग्रुप that influence the consumer behavior. Nowadays children are well informed about goods and services through media, friend circles and other. तो क्या होता है कि family बहुत effect करती है, जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं वो internet से देख लेते हैं products, then आपको वो purchase करके देना पड़ता है. Role and status. A person performs certain roles in particular groups such as family club. For instance, a person may perform the role of senior executive in a firm and another person may perform the role of a junior executive. The senior executive may enjoy higher status in the organization as compared to junior executive. तो ये कॉमन ही है कि जैसे आप सीनियर हो तो आप ज़्यादा स्टेटस इंजॉय करोगे तो जूनियर कम करेगा. नेक्स्ट इज पीपल मे परचेज प्रोडक्ट डैट कन्फर्म टू देयर रोल्स एंड स्टेटस स्पेशली इन केस ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स लग्जरी वॉचेस लग्जरी कार्स. तो जैसा आपका स्टेटस होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही कार्स वगैरह परचेज करोगे. अब कल्चर बहुत इफेक्ट करता है. कल्चर इंक्लूड रेस एंड रिलीजन ट्रेडिशन कास्ट मॉरल वैल्यूज. कल्चर इंक्लूड सब कल्चर सच एज रिलीजियस सेक्ट language etc. culture it influences consumer behavior to a great extent. cultural values and elements are passed from one generation to another. तो
तो जो कल्चर है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है, ये हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर एल्कोहल एंड मीट इन सर्टन रिलीजियस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बट इन सर्टन कम्युनिटी इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो कहीं किसी किसी रिलीजन में मीट और शराब पीना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट कईयों में रिस्ट्रिक्टेड है। आगे सब कल्चर्स हैं, जैसे ज्योग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस होना, साउथ इंडियन में कुछ और बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में कुछ और बोलते हैं। ऐसे कपड़े भी, साउथ इंडिया में कुछ और कपड़े डालते हैं, नॉर्थ इंडिया में कुछ और कपड़े डालते हैं। तो ये है कि जो कंज्यूमर का परचेजिंग बिहेवियर है वो उसके पर्सनल, सोशल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर होता है। तो ये वेरी करता है एज पे, जेंडर पे, जैसे हम चीज़ों को प्रसीव करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।